आज हम बनाएंगे बची हुई इडली का उपमा। इडली को हाथ से चूरा कर लें। मैंने यहाँ पर 3 इडली का उपमा बनाया है, उनको हाथ से चूरा कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालें, राई चटकाएं, 1 चम्मच उड़द का मोगर, 1 चम्मच चने की दाल, कुछ करी पत्ते और थोड़े से मूंगफली के दाने डालकर उन्हें तल लें। अब इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, उबले हुए मटर और एक टमाटर डाल दें काटा हुआ। हिला लें, फिर स्वाद अनुसार नमक और बहुत थोड़ी सी काली मिर्ची डालकर हिलाएं और इडली का चूरा किया हुआ इसमें मिक्स कर लें और अच्छे से मिलाएं। आपका इडली उपमा तैयार है। ज़रूरत पड़े तो नींबू भी डाल सकते हैं। गरम गरम खाएं।